यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम। नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य, आइए आज एक भजन गीत सीखते हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। राजेश्वरा नंद सरस्वती जी अपने प्रवचन में इस गीत को गाते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है उनके मुखारविंद से सुनने पर। आइए उस गीत को आज हम सब हारमोनियम पर समझते हैं किस प्रकार है। तो गाना चालू करने से पहले देख लेते हैं कि ये गीत कहाँ से कहाँ तक बजेगा और स्वर कौन कौन से लगेंगे, फिर इसको विस्तार में नोटेशन के साथ में समझते हैं। मैं गाना प्ले करूँगा हमेशा की तरफ सी सार पहली काली, ये मेरा सा रहेगा और इस सा से लेकर के इस सा तक ये गाना जाएगा। और स्वर की हम बात करें तो सा रे, इसमें ग कोमल लगेगा, म प ध कोमल, नी कोमल, सा और शुद्ध ध भी लगेगा। और नीचे के स्वर में बात करें तो एक स्वर लगेगा नी कोमल, यानी इस नी से लेकर इस सा तक एक गाना कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए एक लाइन में बिल्कुल स्लो में लेके चलता हूँ गुनगुनाते हुए, पहली बार में आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। गाना चालू हो रहा है सा से, कैसे है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अगहारि हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। इस प्रकार ये मुखड़ा का लाइन है, आइए इसको समझते चलते हैं फिर अंतरा बजाते हैं। अब बज रहा है यहां से यदि नाथ का, तो कैसे हो रहा है, सारे सानी सा, सारे सानी सा सा। यदि नाथ का नाम, नाम ऐसा हो रहा है, ग को दबाना है, म ग हो रहा है लेकिन प का इधर कर्ण लेके आना है। यदि नाथ का नाम गम पम ग, गम पम ग, गम पम ग नाम दया। अब दया ग प निधि है ध प प तो दया भी, तो का बन रहा है प प दया भी प ध प म करेंगे म प म ग कभी न कभी गम ग गरे सा। ये हुआ मुखड़ा का पहला लाइन। अब इसी पर एक लाइन और बजा हुआ है, अगहारि हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। सेम नोटेशन, कैसे, अगहारि सारे सानी सा हरि गम ग दुखिया। अब देखिए प पर रुकना है, ग प बोलना है तो यहाँ रुकना है, दुखिया हो क्या रहा है, ग प दुखिया जन के ध प दुख दुख प प क्लेश ध प म हरेंगे म प म ग
कभी न कभी गम ग गरे सा यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है। इस प्रकार मुखड़ा बज रहा है। अब हम बजाएंगे अंतरा। अंतरा में एक लाइन सीखना है और समझ लेते हैं तो गाना तैयार होता है। अंतरा में दो पैटर्न है। कैसे चालू होता है? यहाँ से प से एक बार देखिए, फिर इसका नोटेशन देखते हैं। हम द्वार पे आप के आके पड़े मुद्दत से किसी जिद पर है अड़े। यही इतना सीखना है। इतना बजा लेते हैं तो समझिए कंप्लीट हो गया। फिर हम वहीं आ जाएंगे जो अस्थाई का लाइन बजाए। अब पहला पैटर्न इसका इस तरह है। हम द्वार पे आपके तो बज रहा है पानी धापा धापामा पानी धापा धापामा हम द्वार पे आपके आके पड़े आके पधा पड़े निधा पा कोमल नहीं कोमल धा निधा पा पड़े हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से किसी जिद पर है अरे। अब एक पैटर्न तो ये हो गया। हम द्वार पे आपके आके अरे आके पड़े तो ये क्या हो गया। इसमें दूसरा अब इसमें शुद्ध धा। पहले हम लोग कोमल धा बजाए अब शुद्ध धा। मुद्दत से किसी जिद पर है अरे पाधा पम पा किसी पम ग जिद पर है अरे मा पमा ग रे सा तो यहाँ आ जाएंगे। मा पमा ग रे सा फिर वही लाइन चल जाए। अब दोनों लाइन को एक साथ में जरा एकदम बिल्कुल सुर में देखिए। हम द्वार पे आपके आके पड़े मुद्दत से किसी जिद पर है अरे अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी अब सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी बस वही लाइन है। इसका नोटेशन अब सिंधु सारे साने सा तरे जो गमा ग बड़े से बड़े ग प धा प बड़े से बड़े ग प धा प
तो ये बिंदु पादा पामग तरेंगे मापमग कभी न कभी गम ग गरे सा। फिर वही बजाएंगे यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दया निधि है। बस इतना ही है, इसी पर आगे का अंतरा सारा बजा हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।